हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो स्वागत है आपका साइना टेक्नोलॉजी किचन में। तो आज हम एक न्यू रेसिपी बनाएंगे। हम वाइल्ड चावल जो हैं, ये पके हुए चावल है, इसकी खीर बनाएंगे। वैसे तो ये नॉर्मल रेसिपी है, लेकिन मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, जल्दी भी बनेगी और वेरी वेरी यम्मी यम्मी टेस्टी भी बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमें ये 1 कप दूध डालेंगे और गैस को हम ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी में दूध और पानी बराबर तब डाल रही हूँ, क्योंकि पानी मैंने एक बराबर तब डाला क्योंकि ये चावल जो है हमारे इसमें पकेंगे और इसमें बॉयल्ड होंगे, तो हमारा दूध जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी और दूध को एक बराबर डाला है। दूध जो है हमारा ये बॉयल्ड है और इसलिए मैं चावल को इसके बीच में डाल दूँगी। देखिए, इसके बीच में ऐसे डाल देंगे हम चावल को। और इसको ऐसे लाते रहेंगे, ऐसे अच्छी तरह से मिक्सअप हो सके। और इसके बीच में डालूंगी 5 चम्मच शुगर, ये चीनी डालूंगी, साथ में हम चीनी डाल देंगे और ये 3 स्पून मलाई है, इसको भी इसमें डालूंगी। मलाई से इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम ऐसे हिलाते रहेंगे, ऐसे इसको ऐसे हिलाएंगे। साथ में हम ये कटे हुए बादाम है, इसको भी इसके बीच में हम डाल देंगे, इसको भी इसके साथ हम ऐसे बॉईल करेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी स्ट्रॉबेरी ली है, इसको हम जब हमारी खीर तैयार हो जाएगी, बनके बन चुकेगी हमारी जब खीर, तब हम लास्ट में इसको डालेंगे। इससे खीर का टेस्ट जो है वो अलग जैसा हो जाएगा और भी हमारी खीर जो है वो अलग जैसा हमारा टेस्ट आएगा इससे। तो इसको हम लास्ट में डाल देंगे जब हमारी खीर जो है बनके तैयार हो जाएगी। इसको हम साइड में रख देते हैं और गैस की फ्लेम जो है उसको हम थोड़ी हाई कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेंगे उसको। इसको 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे पकाएंगे, जब तक हमारे चावल दूध में मिल नहीं जाते, मिक्स नहीं हो जाते, तब तक हम इसको पकाएंगे। हमारे चावल और हमारा जो दूध है, जो हमारे हमें इसमें जो भी जैसे काजू, ये बादाम, चीनी जो भी हमने डाला है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, तब तक हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। तो अगर हिलाएंगे नहीं तो हमारे चावल जो है हमारे वो नीचे लग सकते हैं। इसको हिलाते रहेंगे,
ये हमारी न्यू रेसिपी है, हमारे पके हुए चावल की खीर टेस्टी भी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। वैसे तो खीर नॉर्मल रेसिपी है लेकिन हम कच्चे चावल की बनाते हैं, उसमें हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। ये हमारी न्यू रेसिपी है, जल्दी वाली रेसिपी और ज़्यादा टेस्टी वाली रेसिपी, अलग जैसी हमारी बनी सिस्को कि हमारा सिस्को हम गैस फ्लेम को हम लो कर लेंगे क्योंकि हमारा दूध है वो बाहर निकल रहा है। तो अब हम कम फ्लेम पर पकाएंगे, हम इसकी जो है हम कम कर देंगे। कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, जितनी हमारी चावल दूध हमारा बॉइल्ड होगा उतनी ही हमारी जो खीर है वो टेस्टी बनेगी। देखिए हमारी खीर जो है बनके तैयार हो चुकी है। देखिए ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, अब हमारा बराबर दिखाई दे रहे हैं दूध और चावल, ऐसे हम खीर जो है बनके तैयार हो चुकी है। गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए हमारी न्यू रेसिपी सॉरी डालना होगी इसको, इसमें ऐसे अब डाल लेंगे इसको जो टूटी फूटी है हमारी, इसको लास्ट में डाल देंगे। देखिए हमारी खीर जो है बनके तैयार हो चुकी है। देखिए फूटी वाली खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी पके हुए चावल की खीर बनके तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ साइना टेक्नोलॉजी वीडियो में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।